नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसप लाइफ पर। हिस्ट्री, इतिहास, ये सदैव घटित होता है। ना तो इसको बनाया जा सकता है और ना इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। आज बात करते हैं उस इतिहास की जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। NCERT क्लास 12th हिस्ट्री की बुक औरंगजेब के बारे में लिखा है, जिसने हजारों मंदिर तोड़वाए, जो सांप्रदायिकता का सुल्तान था, उसके बारे में लिखा कि उसने मंदिरों का निर्माण कराया। क्या ये सत्य है? वास्को डिगामा के बारे में कहा जाता है कि उसने भारत की खोज की। अरे, उसने 1498 में यूरोप से भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा था। तो इस तरीके का विकृत इतिहास हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। सिंधु नदी और सरस्वती नदी, इसके बीच की जो सभ्यता है, ये माना जाता है ये दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है, जिसका आविर्भाव 9000 ईसा पूर्व में हो गया था। हाल में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बागपत के पास सिनौली एक जगह है, वहाँ पर एक्सकेवेशन किया और वहाँ पर जो उनको चीज़ें मिली, वो मिली कॉपर की मूर्तियाँ, सुसज्जित रथ और इस प्रकार के तमाम चीज़ें, जिससे पता चलता है कि वो लगभग 1800 से 2000 ईसा पूर्व के हैं। इस घटना पर एक OTT प्लेटफॉर्म ने एक अपनी पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है, सीक्रेट ऑफ सिनौली करके। हमको पढ़ाया जाता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल वंश और इस प्रकार के जितने बाहरी आक्रांताएं हुए हैं, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, उनकी गौरव गाथाएं हमको टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जाती हैं। मैं जब जूनियर हाई स्कूल कक्षाओं में पढ़ता था तो यही सब मैंने भी पढ़ा, तो मेरे मन में एक बात आती थी कि क्या इस देश में केवल मुगलों ने शासन किया? क्या वही इस देश के एकमात्र मालिक थे? सिकंदर को महान बताना, ये पश्चिमी देशों के इतिहासकारों का वर्जन है। अगर भारतीय इतिहासकारों को पढ़ा होता तो जो जीता वो सिकंदर, इसकी जगह आता जो जीता वो पोरस। अपने परिजनों की हत्या करने वाला, आगरे के किले में मीना बाजार लगाने वाला, 5000 से अधिक महिलाएं, जिसमें अधिकांश हिंदू थी, उनको अपने रहम में रखने वाला, तीर्थ यात्रा पर जिसने जजिया कर लगाया, ऐसे अकबर को महान बताया जाता है। हमारे आदर्श थे वीर छत्रपति शिवाजी, जो राष्ट्रीयता के जीवंत प्रतीक हैं, जिन्होंने छापामारी और गुरिल्ला युद्ध शुरू किया, उसके प्रवर्तक माने जाते हैं, जिन्होंने बगनखे से सेनापति अफजल का पेट फाड़ दिया था। हमारे आदर्श हैं मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप, जिन्होंने जंगलों में रहना तो स्वीकार किया, लेकिन मुगलों की गुलामी करना स्वीकार नहीं किया। हमारे आदर्श हैं राजा सुहेलदेव, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के भतीजे, जो उनका सेनापति भी था, सालार मसूद गाजी, उसको युद्ध में बुरी तरह परास्त किया था। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट और अपने देश में चलता है, वो है आर्य और द्रविड़ का कॉन्सेप्ट। ये अंग्रेजों द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। आर्य ये गुरु सूचक शब्द है, प्रजाति सूचक शब्द नहीं है। इसी तरह द्रविड़ भी स्थान का परिचायक है और ये तथ्य है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। यही सिद्ध करने का प्रयास IIT खड़गपुर ने रिकवरी ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम इस नाम से 2022 का एक कैलेंडर बनाया। इस कैलेंडर में वेदों का, पुराणों का, महाकाव्यों का संदर्भ दिया गया और इसके अलावा महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद के दृष्टांतों का उल्लेख किया गया और ये उल्लेख करके उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया कि आर और द्रविड़ ये कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, दोनों भारत के
मूल निवासी थे, लेकिन जो अपने देश के तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। मित्रों, अंग्रेजों ने जो ये प्रयास शुरू किया, ये आज तक चल रहा है और बड़े सुनियोजित तरीके से भारतीय मान बिंदुओं और श्रद्धा के केंद्रों का चीर हरण किया जा रहा है, ताकि हम कभी गर्व से अपना सिर ऊपर ना कर पाए और विश्व गुरु का दावा तो कभी ना कर पाए। ये जो प्रयास अंग्रेजों ने शुरू किया, वो स्वाधीनता के बाद भी अनवरत चल रहा है। यही कारण है कि हमको नहीं पढ़ाया जाता मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश, परमार वंश, राष्ट्रकूट, काकतीय, सातवाहन, विजयनगर साम्राज्यों और इस प्रकार के तमाम प्रभावशाली राजवंशों और साम्राज्यों के बारे में। अगर कहीं इतिहास की किताब में इनकी चर्चा है तो बहुत थोड़ी सी, नगण्य चर्चा है। इन राजवंशों में बड़ी वेल प्लान्ड टाउनशिप्स बनी है। जो तमाम एक्सकेवेशंस होते हैं उसमें वो निकल कर आती है सामने। तमाम विशाल यूनिवर्सिटीज इन्होंने बनाई, इनकी स्थापत्य कला के नमूने पूरे भारतवर्ष में बिखरे हुए हैं। किले हो चाहे अद्भुत मंदिर हो, हमको नहीं पढ़ाया जाता है सिख गुरुओं का संघर्ष और गुरु गोविंद सिंह के बलिदानी पुत्रों के बारे में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, इसकी प्रेरणा से एक संगठन काम कर रहा है, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना। कई वर्षों से यह संगठन काम कर रहा है। इसका मूल उद्देश्य है भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन। आज देश में राष्ट्रवादी सरकार है, नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, इसमें भी कई प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं। इतिहास की किताबों का पुनर्लेखन ये बहुत आवश्यक है, ताकि हमारी पीढ़ी जो आ रही है, पीढ़ी नई, उस देश का सही इतिहास जाने। और शायद ये इस पीढ़ी का अधिकार भी है और ये समय की आवश्यकता भी। मित्रों, हम इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्या हम ये प्रण कर सकते हैं कि इस अमृत महोत्सव पर अपने बच्चों को अपने घर में, अपने परिवार में हम किसी न किसी वीर पुरुष की गाथा, किसी न किसी इस ऐतिहासिक पुरुष के बारे में बताएंगे, और ये जो तमाम पुस्तकें रखी हैं, इन पुस्तक में से या इस प्रकार की कोई भी एक पुस्तक उसको गिफ्ट करेंगे, जिससे वो देश का सही इतिहास जानने की तरफ एक कदम बढ़ पाए। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ASAP लाइफ को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।